राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय की थी, लेकिन सोमवार को अमेरिकी सैनिक डेडलाइन से ठीक पहले देश छोड़कर चले गए। अमेरिका का सबसे लंबा चला युद्ध आखिरकार सोमवार को खत्म हो गया। 20 साल के सैन्य अभियान के बाद सोमवार को आखिरी अमेरिकी सैनिक ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। 22वें एयरबोर्न डिवीजन के कमांडर क्रिस डोनह्यू अफगानिस्तान की जमीन छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक थे। वो C-17 ग्लोब मास्टर 3rd विमान के जरिए काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुए। अमेरिका को 31 अगस्त तक अपने सैनिकों को मुल्क से बाहर निकालना था। रक्षा विभाग ने अमेरिकी सैनिक की तस्वीर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू, वो 30 अगस्त 2021 को अमेरिकी वायुसेना के C-17 पर 22वें एयरबोर्न डिवीजन बोर्ड के कमांडिंग जनरल थे। इस तरह काबुल में अमेरिकी मिशन की समाप्ति हो गई है। C-17 ग्लोब मास्टर में अफगानिस्तान में अमेरिकी राजदूत रहे रॉस विल्सन भी सवार थे। ये सभी लोग घर के लिए रवाना हुए। इस तरह अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त की डेडलाइन से ठीक पहले देश छोड़कर चले गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस डेडलाइन को तय किया था। अब यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान में एंट्री की कहानी क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद अमेरिकी सेना ने साल 2001 में अफगानिस्तान में एंट्री की। 11 सितंबर के हमले, जिन्हें अक्सर सितंबर 11 या 9/11 कहा जाता है, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर अलकायदा द्वारा समन्वित आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला थी। उस दिन सुबह ही 19 अलकायदा आतंकवादियों ने 4 वाणिज्यिक यात्री जेट वायुयानों का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने जानबूझकर उनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ टकरा दिया, जिससे विमानों पर सवार सभी लोग और इमारतों के अंदर काम करने वाले अन्य कई लोग भी मारे गए। दोनों इमारतें 2 घंटे के अंदर ढह गईं। पास की और इमारतें भी नष्ट हो गईं। अपहरणकर्ताओं ने तीसरे विमान को बस वॉशिंगटन DC के बाहर आर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन से टकरा दिया। अपहरणकर्ताओं द्वारा वॉशिंगटन DC की ओर निर्देशित किए गए 4थे विमान के कुछ यात्रियों एवं उड़ान चालक दल द्वारा विमान का नियंत्रण फिर से लेने के प्रयास के बाद विमान ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में सेक्सवेल के पास एक खेत में जा टकराया। इस घटना में किसी भी उड़ान से कोई भी जीवित नहीं बचा। इन हमलों का बदला लेने और आतंकवादियों का सफाया करने की मंशा के साथ अमेरिका ने अफगानिस्तान में एंट्री की। इस तरह उसने अफगानिस्तान में आतंक विरोधी अभियानों की शुरुआत की और तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंका। आने वाले सालों में अमेरिकी बलों की देश में मौजूदगी बनी रही और इसने वित्तीय सहायता और अफगान बलों को विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करते हुए राष्ट्र निर्माण का कार्य शुरू किया। अफगानिस्तान युद्ध अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा युद्ध रहा। इस युद्ध में 2400 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। हालांकि इन सब के बाद भी तालिबान 15 अगस्त को एक बार फिर अफगानिस्तान की सत्ता में वापस लौट आया। जहां एक ओर विदेशी सैनिक देश छोड़ रहे थे, वहीं तालिबान एक के बाद एक प्रांतों पर कब्जा जमाए जा रहा था। इस तरह 15 अगस्त को तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा जमा कर देश में अपनी वापसी पुख्ता कर दी। वहीं अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका युद्धग्रस्त मुल्क को मानवीय सहायता पहुंचाता रहेगा। इसके लिए स्वतंत्र संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र और NGO की मदद ली जाएगी।